नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपनी ज्ञान की खिड़की में। आज ज्ञान की खिड़की में हम बात करने वाले हैं मैक एड्रेस के बारे में। तो मैक एड्रेस में हम दो पार्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि मैक एड्रेस होता क्या है, और दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चर को, किस तरीके से मैक एड्रेस को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं मैक एड्रेस के बारे में कि मैक एड्रेस एक्चुअल में होता क्या है। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। इसे आपका फिजिकल एड्रेस भी बोला जाता है, जो कि पर्टिकुलर डिवाइस को मैन्युफैक्चरर के टाइम पे असाइन किया जाता है। ये कौन असाइन करता है? जो मैन्युफैक्चरर होता है वो असाइन करता है ये एड्रेस। ये एड्रेस जो होता है वो आपका फिक्स एड्रेस होता है, मतलब परमानेंट एड्रेस होता है, इसे चेंज नहीं किया जाता है। मैक एड्रेस जो होता है वो एक तरीके से डिवाइस का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये जो एड्रेस होता है, ये किसी भी, आप देखते होंगे जब भी कभी आप कोई नया सामान लेते होंगे, कोई भी नई डिवाइस लेते होंगे, जैसे प्रिंटर हो गया, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, या फिर आप बोल लीजिए मोबाइल हो गए, तो उनके पीछे एक स्टिकर लगा होता है जिसमें बार कोड होता है, और साथ ही में मैक एड्रेस भी डिफाइन किया जाता है। तो आप देखिएगा कभी भी कोई भी आइटम आपका पुराना पड़ा हो या कोई नया खरीदे, तो उसमें पीछे की तरफ एक स्टिकर लगा होता है, साइड में या पीछे कहीं भी, तो उससे आप मैक एड्रेस देख सकते हैं। दिए गए डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैक एड्रेस डिफाइन किया गया है एक स्टिकर में। इसके अलावा मैक एड्रेस वो परमानेंट एड्रेस होते हैं जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, और मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस भी बोला जा सकता है। फिजिकल एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस या नेटवर्किंग हार्डवेयर एड्रेस, इसके अलावा बर्न इन एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है मैक एड्रेस को, ठीक है। इसके अलावा मैक एड्रेस के एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ नॉर्मल से एग्जांपल कि कहां पे मैक एड्रेस नॉर्मली यूज होता है। मैक एड्रेस जो होता है वो दो कंप्यूटर से या दो सिस्टम्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए ही नहीं यूज होता है, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आपके यहाँ कोई फ्रेंड आता है और आप नहीं चाहते कि वो आपका वाईफाई यूज करे, तो आप क्या करेंगे, राउटर में उसके मैक एड्रेस को डाल देंगे, रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे, तो जिसके कारण जब वो आपके वाईफाई को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो वहां पर राउटर जो है उसको डिनाई कर देगा और वाईफाई कनेक्ट नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जैसे आपका जब फोन खो जाता है तो वो मैक एड्रेस के थ्रू ही ढूंढा जा सकता है, मींस उसको सर्च किया जा सकता है मैक एड्रेस के थ्रू ही। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो कंपनी होती है किसी भी आपके मोबाइल पे कॉलिंग वगैरह की फैसिलिटी अगर आपको नहीं देनी है, नहीं देती है, आउटगोइंग बंद कर देती है, इनकमिंग बंद कर देती है, मैसेजेस बंद कर देती है, वो भी मैक एड्रेस के थ्रू ही आपकी सुविधा बंद कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। मींस इसमें इसके थ्रू मैक एड्रेस के थ्रू हम किसी भी डिवाइस को रिस्ट्रिक्टेड जोन में भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है हमारा स्ट्रक्चर, मींस फॉर्मेट ऑफ मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस टोटल 48 बिट का होता है, ठीक है। ये हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में लिखा जाता है। इसको दो दो डिजिट्स में डिवाइड किया गया, और हर दो डिजिट्स के बाद कॉलन से इसको सेपरेट किया जाता है, मींस डबल कॉलन से, डबल डॉट से। दिए गए डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैक एड्रेस को सेपरेट किया जाता है, दो दो डिजिट्स में सेपरेट किया जाता है। अब इसके बाद आ जाती है जो शुरू की 6 डिजिट्स होती है, वो मैन्युफैक्चरर को आइडेंटिफाई करते हैं, मींस किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस का जो मैन्युफैक्चरर होता है, कहां पे मैन्युफैक्चर हुई है उसको डिफाइन करता है, उस कंपनी को डिफाइन करते हैं शुरू की 6 डिजिट्स। ये इसको इसका फुल इसको क्या बोलते हैं, OUI नंबर, OUI से रिप्रेजेंट किया जाता है। OUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। शुरू की जो 6 डिजिट्स होती हैं उनको OUI से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसी पर्टिकुलर कंपनी को आइडेंटिफाई करता है, मैन्युफैक्चरर को आइडेंटिफाई करता है कि पर्टिकुलर डिवाइस किस कंपनी की बनी हुई है। मैक एड्रेस के शुरू की 6 डिजिट्स उसको डिफाइन करती हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया FCFC48, ये एप्पल कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा FCF8AE, ये इंटेल कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं FCF136, जो कि सैमसंग कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। मीन शुरू की जो 6 डिजिट्स होती हैं वो पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर को डिफाइन करती हैं कि ये जो किस कंपनी में
बना हुआ है, ठीक है। बाकी की जो 6 डिजिट्स होती हैं वो किसी डिवाइस को डिफाइन करती हैं, मींस मैन्युफैक्चरर अपनी सुविधा के अनुसार उसको किसी भी डिवाइस को असाइन करता है। एक तरीके से ये सीरियल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैक एड्रेस होता क्या है और किस तरीके से काम करता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, अगर आपको कोई क्वेरी है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। इसके अलावा अगर आपको मेरी सारी वीडियोस कंप्यूटर से रिलेटेड पसंद आ रही हैं, तो आप मेरे चैनल ज्ञान की खिड़की को सब्सक्राइब करिए। मेरे से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।